नमस्ते दोस्तों, ओल्ड इज गोल्ड में मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। आज मैं पूरे राष्ट्र हित के लिए, पूरे संसार के लिए कि वो सब स्वस्थ हों और जल्दी से जल्दी इस कोरोना नाम की बीमारी से छुटकारा मिले, मैं प्रभु श्री राम से और हनुमान जी से प्रार्थना करता हूँ। मैं आज आपको इतना पक्का प्रूफ दूंगा, बहुत से कहते हैं कि आपकी रामायण सही नहीं गलत है, आपका राम सही नहीं, आपका तुलसीदास जी सही नहीं। अरे संत तुलसीदास जी ने रामायण के अंदर साफ लिख दिया कि इस तरह कलयुग के अंदर चमगादड़ द्वारा रोग फैलेगा और मनुष्य तड़फ तड़फ के मरेगा और इस कष्ट से सिर्फ राम का नाम ही उसको बचाएगा। संत तुलसीदास जी ने उस वक्त लिख दिया चमगादड़ का नाम। मैं आपको पढ़ करके सुनाऊंगा, पहले तो मैं आपके सामने पिक्चर करता हूं, अगर आ जाए तो आप उसको मैं नजदीक करता हूं इसको। हाँ देखिए, मेरे पास ये रामचरितमानस, ध्यान से देख लीजिए आप, और पूरे संसार के अंदर हिंदुओं के पास, सबके पास रामचरितमानस मिलेगी, वो कन्फर्म करें और मुझको कमेंट्स में लिखें अगर मैं गलत हूँ, अगर मेरे को गलत साबित कर दे कोई, मैं अपना सर कटाने के लिए तैयार हूँ, भगवान श्री राम के लिए, हनुमान जी के लिए। देखिए अब ध्यान से सुने, रामचरितमानस प्रश्न संख्या 600। देखिए कोई के पास जो है छोटी बड़ी रामायण हो तो प्रश्न संख्या का वो आ सकता है फर्क, और उत्तरकांड रामायण का उत्तरकांड। अब संत तुलसीदास जी, महान संत तुलसीदास जी जो लिखते हैं, मैं इतना रामायण का देखो ज्ञानी नहीं हूँ, आप अच्छे रामायणी से इसका अर्थ निकलवा लीजिए। हाँ मैं बोलता हूँ, दिव्य निंद के बहु नर के भोग करी, जग जनमयी वायस शरीर धरी। ध्यान से सुनो आप, सुर श्रुति निंदक जे अभिमानी, रोरव नर के परही ते प्राणी। संत तुलसीदास जी ने क्या लिखा है, आगे सुने आपको मजा आ जाएगा, आनंद आ जाएगा। होई उलूक संत निंदारत, मोह निशा प्रिय ज्ञान भानुगत, काम बात कफ लोभ अपारा। अब ध्यान से सुने आप, वात, वात का मतलब दर्द, कफ का मतलब शरीर में कफ इकट्ठा हो जाना, काम बात कफ लोभ अपारा, बहुत ज्यादा कफ इकट्ठा हो जाना, क्रोध पित नित छाती जारा, और वो कफ विकृत होकर के गुस्से के अंदर छाती को झकट लेता है। आगे सुने आप, प्रीति करे हूं जो तीन हूं भाई। ये तुलसीदास जी कहते हैं, मैं नहीं कहता, और मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, और इसका जो खास और जो दोहा है वो आप सुनिए, एक व्याधि बस नर मरही, एक व्याधि से मनुष्य मरेगा, सुनिए मेरी बात को, एक व्याधि बस नर मर ही,
असादी बहु व्याधि, अरे कितना क्लियर लिखा है, क्यों इन प्रयोगशालाओं में खोपड़ा लगाते हैं, इनको पढ़ लो। क्यों नहीं अब तक जो रामायण के ज्ञानी और रामायण कथा बोलने वाले लाखों रुपए बटोरने वाले अब तक क्यों नहीं सामने आए? वो क्या जानते हैं रामायण को? हमने कभी रामायण नहीं पढ़ी, हमने राम को पढ़ा, हनुमान जी को पढ़ा। हाँ सुने आप? हाँ, एक व्याधि यानी कि एक तकलीफ, एक व्याधि बस नर भरही, ए असाधि बहु व्याधि। नर को, इंसान को एक तकलीफ होगी, वो तकलीफ वो व्याधि असाधि यानी कि न ठीक होने वाली होगी। आगे सुनिए, पीड़ें संतत जीव कहूं, शोकी मिले समाधि, नेम धर्म आचार तब ज्ञान जन्म जप दान, बेजस पुनि कोटिन नहीं रोग जाई हरि जान। अब आगे जो चौपाई की, अब जो चौपाई है उसको ध्यान से सुने। यही विधि कहते हैं इस तरह, यही विधि, यही विधि, यही विधि सकल जीव जग रोगी, पूरा जीव सकल जग, पूरा जग, यही विधि सकल जीव जग रोगी। जग का मतलब संसार से हैं, उन्होंने खाली अपने हिंदुस्तान के लेने का, पूरे वर्ल्ड के लिए तुलसीदास जी ने कहा। यही विधि सकल जीव जग रोगी, शोक हरस भय प्रीति वियोगी, दुख में होगा और मन में विरक्ता पैदा हो जाएगी अपने परिजनों को तकलीफ में देख के। मानस रोग कछु में गाए, यही सब के लखी बिर नहीं पाए, जानती छी जही कछु पापी। सुने आप ध्यान से, जानते छी जही कछु पापी, कुछ पापी मेरा मतलब आप समझ गए, मैं नाम नहीं लूंगा, चाइना से यूं मान के चलो, चाइना से कुछ पापी लोगों की वजह से। जानते छी जही कछु पापी, नासन पावही जन परितापी, विषय कुफलते पाई अंकुरे, मन हृदय का नर बापूरे। आगे फरमाते हैं तुलसीदास जी कि राम कृपा ना सही सब रोगा। तुलसीदास जी कहते हैं कि राम की कृपा होने से ही ये रोग से मुक्ति मिलेगी। राम कृपा ना सही सब रोगा, जो यही भांति बने संजोगा, का ऐसा संजोग बनेगा जो अभी है कि सिवाय राम का नाम लेने के अलावा कुछ नहीं। इसका मतलब ये नहीं आप दवाई न लें, सब लें। राम कृपा ना सही सब रोगा, जो यही भांति बने संजोगा, सदगुरु वेद वचन विश्वासा। सदगुरु के, वेदों के, इन वचनों के ऊपर विश्वास करो। सदगुरु वेद वचन विश्वासा, संयम यह न विषय के आशा। अब देखिए, मैं आपको एक चीज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, एक चौपाई, उसको खूब ध्यान से आप सुनिए। होई उलुक संत निंदारत, मोहनी सा प्रिय म्यान भानुगत, सबके निंदा जे जड़ करही। क्या कहते हैं? सब उसकी निंदा करेंगे, सबके निंदा जे जड़ करही, ते चमगादुर होई अवतरही। देखिए, चमगादड़ को तुलसीदास जी ने उनके शब्दों में लिखा है, चमगादुर,
चमगादुर। इस चौपाई को एक बात और सुने आप, और कोई नहीं समझाएगा, जो मैं समझाऊंगा और कोई नहीं समझाएगा। सबके निंदा जे जड़े कर, सब लोग निंदा करेंगे, किसकी? उसकी, चाइना की। सबके निंदा जे जड़े कर, ते चमगादुर होई अवतर। चमगादड़ का अवतार होंगे अथवा उससे ही रोग ये पैदा होगा। सुनहु तात अब मानस रोगा। हे भाई, राम लक्ष्मण को कहते हैं कि हे भाई मेरी बात को सुनो। तात यानी कि भाई। सुनहु तात अब मानस रोगा, जिनते दुख पावई सब लोगा। ये रामचरित मानस जिसको विश्वास नहीं। हाँ दोस्तों, मैं पूरे मुल्क से, पूरे संसार से मैं एक ही प्रार्थना करता हूँ कि हमारा राम गलत नहीं, हमारी रामचरित मानस गलत नहीं, और हमारे महान संत तुलसीदास जी गलत नहीं। वाल्मीकि जी ने भी जरूर लिखा होगा। अब मुझे एक बात का मन में दुख है, जो भी रामायण प्रेमी हैं और जो रामायण कथा वाचक हैं वो मेरी बात का बुरा नहीं माने, मैं सबसे पहले उनको प्रणाम करके माफी मांगता हूँ। जो राम कथा रात और दिन बोलने वाले हैं, 50-50 लाख 30-30 लाख रुपए लेते हैं, अपनी तिजोरी भरते हैं, वो अब तक क्यों नहीं वीडियो के अंदर इन चौपाइयों से ही पेश हुए? बड़ी शर्म की बात है, डूब जाना चाहिए उन लोगों को। उन्होंने क्या रामायण पढ़ी, क्या राम को समझा, क्या तुलसीदास जी को समझा? धिक्कार है, अब भी आए, कोई इसको दुनिया में, संसार में कोई चैलेंज नहीं कर सकता, कोई चैलेंज नहीं कर सकता। मैं अपना मस्तक कटाने के लिए तैयार हूं। इसका अर्थ निकाल लीजिए। चमगादड़ पूरा क्लियर लिखा है संत तुलसीदास जी ने। कोई सी भी रामचरित मानस खोल के आप देखिए, अगर मैं गलत हूं तो देखिए, मेरी उम्र 75 साल की है और मैं कभी भी बालाजी के दरबार में चला जाऊंगा, और मैं ये कहता हूं कि मेरे को कोई भी दंड दे स्वीकार, मस्तक कटाने के लिए तैयार। तो अगर राम की महिमा का जिक्र करने के बाद अगर मेरा मस्तक काटते सरकार को सजा देती है, हमें एक, मेरे को याद आ गया, देखो मैं शायर भी हूं, हमें मौत भी गंवारा है, ध्यान से सुने, हमें मौत भी गंवारा है कि वो आता नहीं, आती है। देखिए, थोड़ा हंसी मजाक होना चाहिए। देखिए, ये संकट की स्थिति है, आप लोग लॉकडाउन का जो मोदी जी साहब ने लगाया है वो अपने हित के, राष्ट्र हित के लिए, जन कल्याण के लिए है, उसका पालन कीजिए। और इस कष्ट से दवा के साथ में रामचरित मानस की इन चौपाइयों को पढ़िए, अथवा हनुमान चालीसा पढ़िए, अथवा श्री राम का नाम लीजिए, वो ही इस कष्ट से आप एक तरह से यूं मान के चलिए कि आपको वैक्सीन मिल गया। इससे बड़ा और वैक्सीन क्या होगा? राम के नाम को आप यूं ही समझते हैं? कभी नहीं। राम सत्य है, रामायण सत्य है, अयोध्या सत्य है, सीता माँ सत्य है, और किसी ग्रंथ के अंदर अगर ऐसा लिखा है, सामने लाए। सबका स्वागत, सबको नमन करेंगे। दोस्तों, अब मैं इस वीडियो को समापन करता हूँ, और ऐसे किसी को व्हाट्सएप पे अगर मैं ये भेजता हूँ तो 10-20 के पास ही जाता है, और इसको सुन करके के पूरे देशवासियों की राम के प्रति आस्था जागेगी, हनुमान जी के प्रति विश्वास जागेगा, रामायण को अपने सिर के ऊपर रखेगा। बोलो जय बजरंग बली, जय श्री राम। इस पूरे संसार को और मेरे पूरे हिंदुस्तान को इस कष्ट से जल्दी
छुटकारा दिलाओ प्रभु, कोई न कोई ज्ञान की दिशा दिखाओ। जय श्री राम।